राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ अजय माकन ने राज्य प्रभारी के पद से इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अजय माकन 25 सितंबर की घटना से आहत थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मनाने के लिए सरदार शहर उपचुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया। लेकिन इन सबसे अलग डोटासरा ने इशारों ही इशारों में माकन पर कटाक्ष किया है। डोटासरा का कहना है कि खड़गे के अध्यक्ष बनते ही टीम भी नहीं बनेगी। ऐसे में आप मान सकते हैं कि कांग्रेस का सियासी झगड़ा इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। डोटासरा के माकन पर किए गए कटाक्ष को आप भी सुनिए। अजय माकन जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। जब नया ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनता है, खड़गे साहब बने हैं, तो सबने अपने इस्तीफे अध्यक्ष जी को दिए। CWC मेंबर और जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष चुनावी प्रक्रिया से हमने एक प्रस्ताव लेकर के तमाम प्रदेशों में PCC और AICC का गठन और PCC अध्यक्ष का उसके अधिकार भी हमने आलाकमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रखे हैं। तो ये तो चुनावी प्रक्रिया है। जब संगठन के चुनाव होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि सब लोग ये कहते हैं कि साहब आप अपनी नई टीम बनाइए। तो वो ही बात है। इसके अलावा जो बातें चल रही हैं मीडिया में वो सब काल्पनिक हैं, गलत हैं और दुष्प्रचार हैं। डोटासरा के बयान से अलग राजस्थान में 3 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ 5 दिसंबर को सरदार शहर उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सरदार शहर उपचुनाव का परिणाम आना है। बिना प्रभारी के यात्रा और साथ में मिशन 2023 की तैयारी बड़ी पार्टी के लिए नई परेशानी साबित हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को या तो माकन को प्रभारी बने रहने के लिए मनाना होगा, और ऐसा तभी होगा जब अनुशासनहीनता के दोषी 3 नेताओं पर कार्रवाई होगी, या फिर यथास्थिति बनाए रखने के लिए पार्टी को किसी वरिष्ठ नेता को राजस्थान के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी देनी होगी जो सभी धड़ों को साथ लेकर चल सकें। हालांकि एक बात तो तय है कि जिस तरह माकन ने इस्तीफा दिया और 25 सितंबर की घटना के जिक्र हुए, उसमें बैठक में विधायकों के नहीं आने से वो आहत हुए हैं। इस अपमान के कड़वे घूंट को माकन पी तो गए लेकिन पचा नहीं पाए। साथ ही गहलोत गुट से सियासी लड़ाई में उनका पलड़ा हल्का पड़ गया, क्योंकि पायलट कैंप सब्र के फल का इंतजार कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और सरदार शहर उपचुनाव के बाद दोबारा राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी सियासत गरमाने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।